सोलन के ऐतिहासिक शूलिनी मेले के दूसरे दिन ठोडा नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई चार टीमों ने इस पौराणिक खेल एवं नृत्य में भाग लेकर इस खेल की यादें ताजा कर दी। वहीं लोगों में भी पौराणिक ठोडा खेल देखकर जोश उमड़ा। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ऐतिहासिक ठोडा खेल का आयोजन किया गया। ठोडो मैदान का नाम भी इसी खेल से पड़ा है, लेकिन समय के साथ साथ युवाओं की इस खेल में रुचि कम होती जा रही है, जिसका बड़ा कारण इस खेल के प्रति सरकार की बेरुखी है। सोलन में आयोजित ठोडा खेल ने सभी का मन मोह लिया और पुराने जमाने की याद दिला दी। महाभारत के समय में इस खेल को युद्धाभ्यास के तौर पर प्रयोग किया जाता था। शूलिनी मेले में पहुंचे सांसद सुरेश कश्यप ने लोगों को शूलिनी मेले की बधाई दी। सभी प्रदेशवासियों को और विशेष रूप से सोलन वासियों को शूलिनी मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज भी ठोडा इसी प्रकार से हमारा, चाहे वो जिला शिमला है, जिला सोलन है, जिला सिरमौर में जो है, वो अलग अलग मेलों में ठोडा एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। ऐसा जो कमी आप कह रहे हैं कि कुछ कमी आई है, हमारा प्रयास रहेगा इसको और ज़्यादा बढ़ावा इसको दिया जाए। हमारी निश्चित रूप से इसको हम और ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें कि विभिन्न कैटेगरी के बच्चों ने बहुत ही सामयिक विषय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, जल संरक्षण की बात, पर्यावरण की बात और इन सारे मुद्दों को लेकर बहुत ही सुंदर अपने चित्रों के माध्यम से सारी बातें जो है यहाँ पर चित्रों के माध्यम से उकेरी हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ मेला कमेटी को, जिन्होंने इस प्रकार का आयोजन, चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ पर किया है। विभिन्न जिलों के ठोडा खिलाड़ियों ने बताया कि ठोडा प्राचीन खेल है और इस खेल को वे पिछले कई वर्षों से खेलते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस खेल को बढ़ावा देने का प्रयास करे और इसे राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया जाए, तभी युवा पीढ़ी इस खेल के प्रति आकर्षित होगी। बहुत प्राचीन खेल है, महाभारत के टाइम से खेला जाता था, लेकिन उस टाइम जो ठोडा खेलने का एक महत्व होता था, एक जिससे कि एक दूसरे को मारने का एक लक्ष्य बनाया जाता था, एक दुश्मनी के तौर पे से खेला जाता था। लेकिन आज की जो हमारी परंपरा को इस जीवित रखा है, इसको एक खेल का रूप दिया गया है, इसको एक संस्कृति के रूप में खेला जाता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे को आज तक सरकार से कोई ऐसा मंच नहीं मिल पाया है जिसपे हम ठोडा को पूरी तरह से दिखा सके। इसीलिए जो ठोडा खेल है कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह गया, जैसे कि जिला सिरमौर के कुछ एक इलाके हैं, जिला शिमला के कुछ एक इलाके हैं और जिला सोलन में भी कुछ खेला जाता है, लेकिन इसको अलग अलग रूप से खेला जाता है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी इसकी जो खशिया ठोडा दल है इसके लिए कुछ करे। ये लुप्त होता जा रहा है जो ठोडा है, और जो मेला होता है ठोडो ग्राउंड में, ये ठोडे के नाम से ही मशहूर था। पहले यहाँ पे ठोडा खेला जाता था और इसको विशेषता दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा है। तो जो नई पीढ़ी है उनकी इसके इसमें रुचि जो है घटती जा रही है, इसलिए हमारा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि इस खेल की तरफ ध्यान दे। हमारी ड्रेस है इसके लिए स्पेशल ध्यान, और इस खेल को जो है राष्ट्रीय स्तर पे पहुँचाया जाए, जिससे कि युवा पीढ़ी आगे बढ़े और इस साइड ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।